आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट का मामला लगातार फूल पकड़ता नजर आ रहा है और ऐसे में इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर में मालीवाल ने विभव कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज फेंक दो आज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला देखिए ऐसे नहीं है, प्लीज आप मैडम नहीं, जस्ट बिकॉज़ यू आर सीरियस लेट द पुलिस कम, उसके बाद में बात करो। तो पुलिस भी तो आ रही आएगी, वो यहां तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम मैडम, प्लीज मैडम बात करो। हेलो मैडम प्लीज उठा के पहन लो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज फेंक दो आज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला देखिए ऐसे नहीं है, प्लीज आप मैडम नहीं, दरअसल जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो भाषा आप सुन रहे हैं, पहले बता देते हैं कि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, ये वही वीडियो, यही कहकर ये अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, जो मामला तूल पकड़ रहा है सीएम हाउस में मारपीट का मामला, ये उसी से जुड़ा हुआ, उसी का अंश ये वीडियो बताया जा रहा है। 30,000 कोर्ट में भी पहुंची है स्वाति, तो वही एफआईआर भी मामला दर्ज हो चुका है, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन एक वीडियो ये जारी हुआ है। फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जरा सुनिएगा आपको क्या लगता है ये पूरा मामला जो है जिस तरीके से तूल पकड़ रहा है। केजरीवाल ने इस पर अभी कुछ नहीं बोला है। 30,000 कोर्ट पहुंची है स्वाति माली वाल, इस पूरे मामले में ये बड़ा अपडेट और ये वीडियो भी अब सामने आया, 13 मई 2024 का बताया जा रहा है। दो तस्वीरें जरा देखिए, एक पहली तस्वीर वो दिखा रही है, वो वीडियो जो अभी सोशल मीडिया पे सामने आया है, और इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि वही वीडियो, लेकिन माना जा रहा है, कहा जा रहा है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, स्वाति मालीवाल पहुंची हैं 30,000 कोर्ट में मामला दर्ज कराने के लिए, और साथ में महिला पुलिस प्रशासन साथ में उनके मौजूद, पूरा पुलिस प्रशासन, अमला, सीएम हाउस में मारपीट का यह मामला, और अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस पूरे मामले में। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से सीएम हाउस में मारपीट का मामला लगातार अब सुर्खियां बनता जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिए, देखना होगा कि इस एफआईआर के बाद किस किस को कटघरे में दिल्ली पुलिस लेगी। इस लोकसभा चुनाव से पहले क्या और रंग नजर आते हैं दिल्ली की सियासत में। एफआईआर में मालीवाल ने विभव कुमार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वही स्वाति मालीवाल 30,000 कोर्ट पहुंची है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दर्ज कर लिए गए हैं, और ये उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन कटघरे में आएगा, किस किस से पूछताछ होगी, क्योंकि पूरा मामला सीएम हाउस के अंदर का है। वही अंतरिम जमानत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बाहर हैं, 1 जून को उनको वापस पहुंचना है जेल, और ऐसे में इस बीच ये मामला कितनी सुर्खियां बटोर रहा है, दिल्ली की सियासत कितने रंग दिखा रही है, यह अब आपके सामने है। जनता फैसला करेगी दिल्ली की, लेकिन बीजेपी हो या फिर चाहे कांग्रेस हो, आड़े हाथ ले रही है आप पार्टी को, क्योंकि प्रियंका गांधी भी है, वो इस पूरे मामले में बोलती नजर आई थी। तो पुलिस भी तो आ रही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम मैडम, प्लीज मैडम बात करो। हेलो मैडम प्लीज उठा के पहन लो, उठा के पहन। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज फेंक दो आज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा देखिए ऐसे नहीं है, प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीरियस लेट द पुलिस कम, उसके बाद में बात करो। तो पुलिस भी तो आ रही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम मैडम, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज फेंक दो आज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा देखिए ऐसे नहीं, प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीरियस लेट द पुलिस कम, उसके बाद में बात करो। तो पुलिस भी तो आ रही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम मैडम, प्लीज मैडम बात करो। हेलो मैडम प्लीज उठा के पहन लो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको, हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज फेंक दो आज। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा देखिए ऐसे नहीं, प्लीज आप ऐसा मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीरियस लेट द पुलिस कम, उसके बाद में बात करो। तो पुलिस भी तो आ रही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं कुछ नहीं होता, आप अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम मैडम, प्लीज मैडम बात करो। हेलो मैडम प्लीज।